नमस्कार दर्शकों, मैं राजेश पुरी और तुसी देख रहे हो एवन पंजाबी टीवी प्रोग्राम करंट इशूज़ दे विच तुहाडा स्वागत है। हुण आपां गल करांगे एजुकेशन सिस्टम दी, जो भारत विच चल रहा, जो पंजाब विच चल रहा कि हायर एजुकेशन जिहड़ी है वह हर एक परिवार के वस च है। इन्हां वड्डियां वड्डियां फीसां, जे आपां इंजीनियरिंग की गल करिए, डॉक्टरी की गल करिए, होर बहुत सारे पेशे ने, IT सैक्टर है कि हर एक दी पहुँच विच है। कि जिस तरह सरकार कहती है कि असी बिजली फ्री देवांगे, आटा दाल स्कीम फ्री करन दी गल कीती गई है कि एजुकेशन जिहड़ी है वह किसी वेले सरकार जिहड़ी है वह फ्री कर सकेगी। 5 साल का समा जिहड़ा आम आदमी पार्टी नूं मिलिया है और व्यापार आम आदमी पार्टी कहती सी कि इस नूं बना दिता गया कि इहदा व्यापारीकरण है जिहड़ा सिक्ख्या दा वह खत्म होएगा। और इस विषय पर गल करन वास्ते अज मेरे नाल फोन लाइन पर मौजूद ने लुधियाना तो साडे पत्रकार कमल कपूर जी। कमल जी स्वागत है जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। कमल जी, बहुत सारे विषयों पर आप जिहड़ा गल कर चुके हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जो तुसी विद्या हासिल कर लैंदे हो तो तुसी दुनिया के किसी भी अहुदे ते पहुँच सकते हो, कोई भी काम जिहड़ा आसानी नाल कर सकते हो, चाहे तुसी देश च रहो, विदेश च रहो, दुनिया के किसी भी कोने च रहो, तुहानू किसी चीज़ की जिहड़ी है वह कमी हो नहीं सकती। चाहे तुसी कोई बिजनेस कर लो, चाहे किसी जॉब के विच चले जाओ, लेकिन जिहड़ा भारत का जिहड़ा अज पढ़िया लिखिया यूथ है, नौजवान है और जिहड़ा पढ़ रहा है, की होप है उसनू अपनी सरकारां तो की लगता है कि जिहड़े जहाज चढ़ चढ़ के बच्चे बाहर नू जा रहे ने उहदा वड्डा कारण की है? और एजुकेशन सिस्टम ते आपां अज गलबात करनी चाहांगे। कपूर साहब जी, बिल्कुल बहुत सही मुद्दा चक्या है, खास करके नौजवानों लिए, क्योंकि इस वक्त अगर गल करिए पुरी साहब तो पंजाबी ने पूरे भारत के अंदर कहा जाता है कि पूरे भारत के अंदर पूरे विश्व नालों इस वक्त नौजवानों की गिनती जिहड़ी है सब तो वध हैगी है। तो मुद्दा यह वाकई बनता है कि साडे नौजवानों का आखिर भविख की है, की फ्यूचर है, की करना चाहिए उन्होंने, की उन्होंने अगे दिख रहा है, सरकार तो की उम्मीदा ने। तो सब तो पहला तो जी गल्लां उठदियां ने बार बार कि साडा एजुकेशन सिस्टम, मान लें एजुकेशन सिस्टम तुसीं सुधार दोगे बहुत चंगी गल है, तुसीं हर नौजवान चंगी तरह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करा दोगे, पर की उस प्लेटफॉर्म नूं इन्ना सुखाला कर दोगे कि उस प्लेटफॉर्म से जा भी पान, के उदा कर दोगे कि VVIP प्लेटफॉर्म बाहर ये लगा दोगे टिकट कि जिहड़ा भी अंदर जाऊगा प्लेटफॉर्म दे उन्हूं यह टिकट खरीदनी पेगी जिदा साडे रेलवे स्टेशन ते हुंदा है। तो वह टिकट ही इन्नी महंगी हुंदी है कि क्या वह प्लेटफॉर्म से जा पाएगा। कहन का भाव यह है कि नौजवान विद्या हासिल करने लिए प्लेटफॉर्म दे दोगे, पर की इन्ना प्लेटफॉर्म के अंदर जाने लिए विद्या हासिल करने लिए उन्हूं सहूलत भी दोगे, इन्नी विद्या सस्ती भी करोगे कि उसके हाथ च यह हो कि मैं ये विद्या हासिल कर लवा। अज एक बच्चा जिहड़ा हायर सेकेंडरी च पढ़ता है, अगर उन्हें कॉलेज च एडमिशन लेनी है तो तुसी ये देखो कि घट्टो घट 31,000 तो लैके 1,00,000 रुपए तक सिर्फ ग्रेजुएशन की फीस है पूरी साहब। तो उस तो बाद जिहड़े हायर एजुकेशन की गल कर लिए, डिग्रीज की गल कर लिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर जिहड़े फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट से जाते हैं, IT डिपार्टमेंट से जाते हैं, IT सैक्टर की गल कर लिए, इन्हां दीआं फीसां करोड़ां दे विच ने। एक MBBS अगर करनी हो तो 1.5 करोड़ रुपया चाहिए। तुसीं अज बच्चे नूं अच्छी शिक्षा दे के 10वीं तक पढ़ा लोगे, अगे की अगे 1 करोड़ रुपया कितों लेके आएगा MBBS करन लई, अगे 70-80 लाख रुपया कितों लेके आएगा इंजीनियरिंग करन लई। तां इह इहदे बारे भी तां गल करो, साडे नौजवानां नूं तुसीं उही गल आ जांदी है कि असीं जी प्लेटफॉर्म बड़े सोहणे बना देंगे लेकिन असीं टिकट ला देनी है इन्नी भी 1,00,000 रुपया दिओ फिर तुसीं प्लेटफॉर्म दे विच जाके एंटर करो, तो 1,00,000 रुपया आएगा कितों? सब तो बड़ी गल तो यह है, पहला नौजवानों नूं तुसीं इन्नी सहूलत दिओ कि उन्हां दी एजुकेशन इन्नी सस्ती होवे। एक पासे तुसीं कहिंदे हो इह विद्या जिहड़ी हैगी आ व्यापार बनाता, तां इस व्यापार दे उत्ते रोक भी तां सरकारां ने लानी है ना। नौजवानों नूं जदों तक उच्च शिक्षा बिल्कुल सस्ती और उन्होंने कहिए कि हर परिवार की पहुंच के जब तक नहीं आएगी उदों तक तुसी उम्मीद ही नहीं कर सकते कि बच्चों नूं तुसी बाहर जाने तो रोक लो, बेरोजगारी नूं रोक लो, क्योंकि हरेक दे पास दी
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ MBBS ਬਣਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ IT ਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜਾ ਪਾਣਗੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰੋਗੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਚੜਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੇ कपूर साहब एक छोटी जी गल इस गल ना जोड़ांगा बड़ी अच्छी तुसी जिहड़ी है व्याख्या इस चीज़ की की है कि तुसी एक चीज़ देखो कि बिजली फ्री की गल हुंदी है होर चीज़ा भी कल हो सकता कोई भी असी ये चीज़ फ्री देवांगे आटा दाल देवांगे असी कोई सरकार कणक दिंदी है जे आप एजुकेशन ही फ्री कर दीए जे सेहत सुविधावां ही फ्री हो जाण बिल्कुल बहुत कितनी वधिया गल कही तुसी कि तुसी आ जिहड़ी बिजली सस्तियां करदे फिरदे हो या जिहड़ियां दिंदे हो विद्या क्यों नहीं दिंदे एक पासे तो असीं कहिंदे विद्या दान महादान विद्या तो वड्डा दान कोई नहीं ते ए दान क्यों नहीं करते तुसी क्यों नहीं जिहड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्हां नूं तुसी कहो कि नहीं तुहाडियां जिहड़ियां फीसां ने लखां लखां करोड़ां करोड़ां रुपया तुसी इन्हां नूं जिहड़ा हैगा इन्ना क सस्ता कर दिओ कि हरेक दे बस च होवे और जिहड़ा अच्छा नौजवान पढ़िया लिखिया जो पढ़ना चाहुंदा जो हासिल करना चाहुंदा डिग्री वह हासिल कर सके फिर उहदे लई द्वार भी खुल जाणगे पुरी साहब यह भी एक चीज़ होर मैं तुहानूं दस देवां यह जरूरी नहीं कि फिर उहदे लई होर बथेरे अब्रॉड दे विच रस्ते खुल जाणगे यह जरूरी नहीं कि बाहर जिहड़ा युवक नौकरी करन लई मान लो कनेडा अमेरिका दे विच नहीं होर सारे ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਨਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮਝ ਆਵੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰੋਡ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਕਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਭਾਵਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋਭਾਵਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿਮਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 6 ਇੰਚ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ बहुत बहुत शुक्रिया कपूर साहब थैंक यू जी धन्यवाद जी ए सी लुधियाना तो साढ़े पत्रकार कमल कपूर जी बहुत अहम जानकारी दर्शकों इन्होंने साढ़े नाल सांझी की हुण वास्ते सिर्फ इन्ना ही मैनू राजेश पुरी नू दिओ इजाजत और तुसी देखते रहो एवन पंजाबी टीवी नमस्कार जी फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज जिमें गठिया सरवाइकल माइग्रेन और शरीर में किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हुंदी होवे इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियां दा इक्को एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं वजन घटाओ ते खुश हो जाओ फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087 नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087